हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष धवन, आपका इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल की तरफ से। दोस्तों, हमने एक सीरीज शुरू की हुई है लर्न इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये सीरीज को लगातार देखते रहिए। ये वीडियो एक एक्सपोर्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, शेयर करें और अंत तक देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप एक एक्सपोर्टर हैं तो अगर आपका पेमेंट से रिलेटेड रिस्क है तो वो कैसे कवर होगा। आमतौर पर हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की कोई नॉलेज नहीं होती। आपका सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, मैं किसी दूसरे देश में एक्सपोर्ट करता हूँ और बायर ने पेमेंट ना दी तो मैं क्या करूँगा, बायर ने मुझसे फ्रॉड किया तो मैं क्या करूँगा। ये रिस्क तो हर बिजनेस में लगा रहता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा शायद कि यहाँ पे गवर्नमेंट आपकी हेल्प करती है। आमतौर पर जब आप एक्सपोर्ट करते हैं पेमेंट आती है, लेकिन अगर नहीं आई तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर आप एक ECGC इंश्योरेंस है गवर्नमेंट की तरफ से, एक ECGC ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप ECGC करा के भेजते हैं, वो इंश्योरेंस करा के भेजते हैं, तो निडर हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए, आपकी पेमेंट डूबेगी ही नहीं। आप कहोगे सर कैसे नहीं डूबेगी, अगर बायर ने नहीं दिया तो? भाई बायर अगर नहीं देगा, मैंने यहाँ से ECGC का इंश्योरेंस ले लिया, बायर ने नहीं दिया तो इंश्योरेंस कंपनी वाले मुझे पैसा देंगे। आप कभी मेडिक्लेम कराते हो, LIC कराते हो, कार इंश्योरेंस कराते हो, कोई भी डैमेज होता है तो क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी वाले पैसे देते हैं, होता है ना। तो ऐसे ही गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को बढ़ावे के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्टर को पुश करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जिसका नाम है ECGC, जिसकी फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। अब आप कहोगे सर क्या ये ECGC लेना जरूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। एक बात बताओ, क्या आप अपनी पेमेंट को सेफ नहीं करना चाहते, 100% सिक्योर नहीं करना चाहते? अब आप कहोगे सर गवर्नमेंट इसमें पता नहीं हेल्प करे ना करे और कितना प्रीमियम देगी। दोस्तों, अगर सपोज करो आपका 10 लाख का गुड्स एक्सपोर्ट होता है, बिलिंग वैल्यू 10 लाख की है, तो 80-90% तक का क्लेम आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो बहुत मुश्किल होगा, कि हाँ कितनी देर लगेगी, मैं बैठा रहूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 80-90% तक का क्लेम आपको बहुत ही जल्दी सरकार की तरफ से मिल जाएगा। और सिर्फ ये ही नहीं, अगर आप लोन लेते हैं, लोन नहीं चुका पा रहे, ऐसी कोई घटना घट गई, दुर्घटना घट गई, तो इसमें लोन भी कवर किया जाता है। यानी अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो बेफिक्र होके करूं, बिना रिस्क के करूं, ये सारा रिस्क सरकार कवर करती है। अब आप कहेंगे सर इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं था। बिल्कुल पता नहीं होगा, आप हमारे चैनल पे आए ही पहली बार है, तो इसीलिए बार बार बोलता हूँ, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, नहीं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखेंगे कैसे। दोस्तों, अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि यार ऐसे तो मैं उधार पे भी माल भेज सकता हूँ, ऐसे तो मैं कोई ऐसी पेमेंट टर्म में भी काम कर सकता हूँ जो रिस्की है, यानी बायर ने मुझे बोला माल भेज दो, पेमेंट मैं बाद में दे दूंगा, मैं निश्चिंत हो जाता हूँ, माल भेजता हूँ, ECGC करा लूँगा, ECGC तो मेरे पास है। ऐसा नहीं है। देखिए, अब स्टेप बाय स्टेप समझिए, अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है लेकिन हमें पता ही नहीं होता। क्यों पता नहीं होता भाई? न्यूज़ चैनल खोल लो, क्या चल रहा है न्यूज़ चैनल में? लड़ाई झगड़ा, नेगेटिव, बॉलीवुड, यही सब चल रहा है। किसी ने चोरी की, किसी को मार दिया, यही सब चल रहा है। आप लोग कितने बिजनेस चैनल या स्टार्टअप चैनल देखते हैं? इसीलिए दोबारा बोल रहा हूँ, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, ताकि आप सीख सकें बिजनेस के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में। अब आगे बढ़ता हूँ, स्टेप बाय स्टेप।
अगर आपसे कोई बायर डील करने आया तो सबसे पहले उस बायर की डिटेल लीजिए, ईसीजीसी वालों के पास जाइए, ईसीजीसी उस बायर को वेरीफाई करेगी, उसकी क्रेडिबिलिटी आपको बताएगी, ये वहीं बता देगी, उसी समय बता देगी कि ये बायर जेन्युइन है या नहीं है। तो पहला रास्ता तो आपका यहीं पे क्लियर हो गया कि कल को कोई फ्रॉड है, चोर है, उचक्का है तो मुझे पहले ही पता लग गया तो मैं डील ना करूं। और अगर बायर जेन्युइन है तो ईसीजीसी कहेगी कोई बात नहीं, घबराइए मत, ये लीजिए इंश्योरेंस और खुल के ट्रेड करिए, अब आप आराम से ट्रेड करिए। यह भी ईसीजीसी आपको बता देगी कि किसी कंट्री की स्थिति क्या है। जैसे हमने अभी देखा अफगानिस्तान का हाल, सारे जानते हैं अफगानिस्तान पे तालिबान ने कब्जा कर लिया। अगर ऐसे कोई पॉलिटिकल इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं जो हमें नहीं पता, हमारी नॉलेज में नहीं है, तो अगर आप ईसीजीसी के पास जाएंगे, आप कहेंगे मैं इस एक्स वाई जेड कंट्री के साथ डील करने जा रहा हूँ, तो वो आपको बता देंगे नहीं जी यहाँ पे तो दिक्कत चल रही है, भसड़ चल रही है, यहाँ पे तो कलेश चल रहा है, तो यहाँ पे तो आप डील मत करिए, हम आपका साथ नहीं देंगे, हम ईसीजीसी नहीं देंगे। ये आपको नहीं पता लेकिन हमें तो पता ही है, ईसीजीसी वालों को तो पता ही है। तो यहां पे आपका पहला स्टेप क्लियर हो जाता है, यानी बायर भी मिलेगा, एक्सपोर्ट भी होगा और पेमेंट भी सेफ रहेगी। अब इससे अच्छा कोई ट्रेड है, खुद सोचिए। अब आप कहेंगे अच्छा सर ये बताओ, इंश्योरेंस तो उन्होंने कर दी, इनका तो इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत ही ज्यादा हाई होगा। कुछ हाई नहीं है, यही गलत फहमी है आप लोगों की। हम काम करते नहीं, पहले ही इमेजिनेशन कर लेते हैं कि ये चीज़ तो महंगी होगी, ये चीज़ तो मैं सीख ही नहीं सकता। भाई जब शुरुआत ही नहीं करी तो अंत तक कैसे पहुंचोगे? तो सबसे पहली चीज़, अगर आप लगभग मान के चलो 1,00,000 रुपए का माल भेज रहे हो तो 1,00,000 के ऊपर लगभग ये 600 रुपए का प्रीमियम लेंगे, यानी अप्रॉक्स मान के चलो 0.6%। बहुत ज़्यादा है, नहीं दे सकते भाई, 2-4% नहीं है, 0.6 कितना ज्यादा होता है, खुद सोचिए। अब आपके दिमाग में आएगा अच्छा सर ये तो अभी अभी सरकार ने खोली होगी। दोस्तों ये 1957 से हमारे बीच में है और 1957 से ये काम कर रही है, आप खुद सोचो 2021 में आप समझ रहे हो, मैं आपको समझा रहा हूं 1957 से ये ऑर्गेनाइजेशन है, फिर भी हम एक्सपोर्ट करने में डर रहे हैं, फिर भी हमें पता नहीं है एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो कैसे पता लगेगा? इसीलिए बार बार कहता हूं लगातार वीडियो को देखते रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको पता चल सके। अब एक चीज और, ये कौन कौन से रिस्क कवर नहीं करते, ये भी डाउट आपका क्लियर कर रहा हूं कि कौन कौन से रिस्क कवर नहीं करते। दोस्तों सबसे पहले ये वो रिस्क कवर नहीं करते जिसमें गलती हमारी हो, हमारी मतलब भाई बायर ने मुझे ऑर्डर दिया, मैं एक ट्रेडर हूं, मैंने आगे सप्लायर या मैन्युफैक्चरर से माल खरीदना है। अब बायर से तो आपने ऑर्डर ले लिया, जब वहाँ खरीदने गए तो आपका सप्लायर और मैन्युफैक्चरर ने हाथ खड़े कर दिए, कह रहे मैं नहीं देता, मैं रेट ज़्यादा पे दूंगा, आपने बायर को ऑलरेडी रेट दे रखा है तो फिर दिक्कत आएगी। तो ये गलती कहाँ से हुई है? हमारे एंड से हुई, बायर के एंड से तो नहीं हुई। बायर ने तो ऑर्डर दिया, बायर ने तो आपकी पेमेंट नहीं खाई ना, बायर ने तो पेमेंट नहीं मारी आपकी, तो यहां से मुझे धोखा मिला या यहां से मुझे फेक कमिटमेंट मिली या यहां से मेरा सप्लायर या मैन्युफैक्चरर मुकर गया। अब चाहे मैं ईसीजीसी करा लूं, मुझे ईसीजीसी इंश्योरेंस क्लेम नहीं देगी क्योंकि वो सिर्फ बायर के एंड पे देती है। दूसरी चीज, बायर ने मुझे ऑर्डर दिया, मैंने आगे माल बनाया या माल परचेज किया, बायर ने कहा जी क्वालिटी का इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, अब मैं तो इंस्पेक्शन करा के ही माल लूंगा, अब इंस्पेक्शन ऑर्गेनाइजेशन वाले आए, आप अपने वेयर हाउस पे या अपने सप्लायर मैन्युफैक्चरर के पास जो भी वेयर हाउस गोडाउन आपने लिया हुआ है वहां पे इंस्पेक्शन करा रहे हो, वहां पे माल रिजेक्ट हो गया एज पर क्वांटिटी और क्वालिटी, जो बायर ने ऑर्डर दिया था आप वो नहीं दे पाए, क्वालिटी में इशू आ गया, क्वांटिटी में इशू आ गया, तो ईसीजीसी आपको नहीं मिलेगा, याद रखना, क्योंकि ये गलती बायर के हेड से नहीं है, ये हमारी गलती है। एक बात बताओ, अगर बायर बोलता है मुझे 100% कॉटन शर्ट चाहिए तो मुझे 100% कॉटन शर्ट ही देनी पड़ेगी ना। अगर बायर बोलता है 10,000 पीस कॉटन शर्ट चाहिए तो क्या मैं 9,000 बेचूंगा और 10,000 का बिल काटूंगा? बायर क्या बेवकूफ है? आप भी अगर बायर होगे तो आप भी ये सब चीजें ध्यान में रखोगे ना। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और उसके बाद एक रिस्क और है, देखो क्या होता है, रुपए का रोज का रेट होता है, हो सकता है आज
एक डॉलर का प्राइस 70 रुपये है, मैंने आज बायर के साथ डील की, बायर ने डील तो कर ली, मैंने 70 रुपये के साथ हिसाब से कैलकुलेट किया, लेकिन एक महीने बाद जब मैंने एक्सपोर्ट किया, बायर ने तो $10,000 मुझको दे दिए, मेरी $10,000 में बात हुई थी, लेकिन जो रुपए का रेट है वो 65 रुपये आ गया। अब कहाँ, मैं तो हिसाब लगा के बैठा हूँ 7 लाख की डील का, लेकिन मेरे अकाउंट में आ रहे 6,50,000, तो मैं कहीं ECGC के पास पहुँचा, ये देखो जी मेरा नुकसान हो गया 50,000 का, आप दो, तो नहीं, यहाँ पे ये रिस्क ECGC कवर नहीं करती। तो दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखने से पहले ये बारीकियां जानना बहुत ज़रूरी है। आसान भाषा में अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हैं तो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए कहीं मत जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए, खुद सोचिए, 1957 से ये ऑर्गेनाइजेशन है, 2021 में मैं बता रहा हूँ, अगर आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे चाइना को पीछे छोड़ेंगे, कैसे अगले सुपर पावर बनेंगे, ये जिम्मेदारी मेरे साथ साथ आपकी भी है और हर हिंदुस्तानी की है। अपने देश के लिए अपने देश को आगे बढ़ाइए। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसा लगा, सवाल पूछिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।